हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अपने एनिवर्सरी पे बनाई है 8 तरीके के डिश, जिसमें मैंने बनाए हैं आलू और गोभी की सूखी सब्जी, और यहाँ पे काबुली चने के छोले बनाए हैं मैंने, और ये बेसन की सब्जी है, ये पपीते का हलवा है जो कि काफ़ी टेस्टी था, और साथ में मैंने बनाए हैं यहाँ पे ज़ीरा राइस, जिसको मैंने इस कटोरी में डाल दिया है, और यहाँ पे मालपुए बनाए हैं, और साथ में मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 पूड़ियाँ करारी करारी, देख सकते हैं, और मैंने लिए हैं यहाँ पे थोड़े से पापड़, एक पापड़ को मैंने ऐसे टुकड़ों में कट करके और इसको फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं, और ये हमारी जो स्पेशल थाली है अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ मैंने जो ब्रेड से, ये जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाया जाता है और उसी से मैंने बनाया है, और 2 आलू चाप हैं, आलू चाप जो कि आलू से ही बनके तैयार होता है, इसे भी हम इसी में जगह बना के और रख देंगे, और ये काफ़ी टेस्टी था फ्रेंड्स। तो आप इस थाली को ज़रूर एंजॉय करिए। चलिए हम इसे बनाना भी स्टार्ट करेंगे, और ये हमारी जो एनिवर्सरी की स्पेशल वेज थाली है बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। बनाना बहुत ईजी है, आपको एक घंटे लगेंगे, एक घंटे से अधिक ही लगेंगे आपको इस थाली को तैयार करने में, मिनिमम आपको 1.5 घंटे तो लग ही जाना है। और ये हमारी जो वेज की थाली है कम्प्लीटली बनके तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं, और मेरी इस एनिवर्सरी पे आप अपने प्यारे प्यारे विशेज ज़रूर दीजिएगा। और चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। तो सबसे पहले हमें मालपुए की तैयारी कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है, साथ में 1/2 कप मैंने सूजी लिया है, और इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने 1/2 कप ही लिया है, बहुत ज़्यादा मतलब मीठा नहीं होगा, ये परफेक्ट मीठा होगा, थोड़ा सा लाइट रहेगा। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसका एक घोल तैयार करेंगे। आप चाहें तो दूध से भी इसका घोल तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। लम्स फ्री आपको घोल बना के और तैयार करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक ही बार में पानी नहीं डालना है, मैं हर बार ही आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा पहले पानी ऐड करें। अगर ज़्यादा पानी एक ही बार डाल देते हो आप तो इसमें गुठलियाँ बनने का चांस भी होता है, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा घोल बना के और तैयार करें। ये देखिए अभी थोड़ा सा ये थिक लग रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद से इसे हम साइड में रख देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी, एक रिबन की तरह बन के और गिर रहा है और इसी में ख़त्म हो जा रहा है, देख सकते हैं। तो इसे ढक के हम 1/2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, बाकी और भी काम है तो हम उसे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटे से अधिक हो चुके हैं, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने सारे वीडियो एक ही जगह ला के और सेट कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बीच बीच में मैं काबुली चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, फिर इसको बाद में जाके आपको दिखाऊँगी तो शायद अच्छा ना लगे और आप देखें भी ना, तो इसीलिए मैंने एक ही जगह सारे वीडियो को एडजस्ट कर दिया है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो यहाँ मैंने कूट के और इलायची जो है वो डाल दिया है, थोड़े से किशमिश डाल दिए हैं, आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको थोड़ा सा और भी पतला कर देंगे, क्योंकि जो सूजी थी वो थोड़ा सा थिक हो जाता है पानी पीने की वजह से। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा घोल है अब एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके मालपुए बना लेते हैं। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए हम फटाफट इसके छोटे प्यारे प्यारे मालपुए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, घी बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, उसके बाद से मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये फूल के और तैयार हो गया है, और इसे हम पलट लेंगे और ये हमारा जो मालपुआ है बिल्कुल फुलके की तरह ऊपर आ गया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर ज़्यादा मीठा रहता है फ्रेंड्स तो नीचे चिपकने का जो चांस है बढ़ जाता है और फूलते भी नहीं है आपके पुए, इसीलिए मैंने 1/2 कप ही चीनी डाला था। उससे ये होता है कि जो आपके मालपुए बनते हैं फ्रेंड्स काफ़ी फूले फूले बनते हैं। ये देखिए, और देखिए इसमें एक जाली जैसा बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि 1 से 1.5 घंटे मैंने ऐसे ही रख दिए थे, बाकी कामों में मैं व्यस्त हो गई थी तो इसको छोड़ दिया था, और इसी वजह से ये अच्छे से फूल भी रहे हैं। अगर आप जल्दी है आपको तो जो आपने घोल तैयार किया है उसको अच्छे से फेंट लें। फेंटने से ये होता है कि जो आपके मालपुए बनते हैं वो फ्लफ़ी बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए जो हमारा एक मालपुआ है बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने
प्यारे क्यूट से बनके और तैयार हुए हैं। ये देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सेक चुका है, मैंने मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेका है। तो मैं एक मालपुआ आपको और बना के दिखा दे रही हूँ। ये डालने के साथ ही थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिना टच किए हुए कि ये फूल के अच्छे से तैयार हो जाते हैं, अपने आप ही फूल जाएंगे, आपको इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। जब फूल जाएगा तो आप पलट सकते हैं। देखिए दूसरा मालपुआ भी तैयार हो चुका है, तो आप चाहें तो इसे चाशनी में फटाफट भिगा सकते हैं। मैंने चाशनी में नहीं भिगाया है, सूखा ही रखा है। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी बना ली है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ एंड में मैंने और भी पूड़ियाँ बना के, और मैंने तुरंत रखा था थाली में, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जो पूड़ियाँ हैं सॉफ़्ट हो जाते हैं और पिचक भी जाते हैं। लेकिन मैंने दिखा दिया है कि मैंने पूड़ियाँ भी बनाई हैं यहाँ पे, देख सकते हैं एकदम क्रंची पूड़ियाँ हमारे बन के ऐसे रेडी कर लेंगे सारे। तो सबसे पहले हमें, मैंने तो पुआ बना लिया है, उसके बाद से मैंने यहाँ पे काबुली चना के जो छोले हैं वो बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं और यहाँ पे काबुली चना 250 ग्राम मैंने लिया था, इसे डाल देंगे फूल के, देख सकते हैं कितना हो गया है। मैंने रात में ही इसे भिगा लिया था और उसके बाद से इसे प्रेशर कुकर में डाल के, और इसमें हम इसमें पानी डाल देंगे जितना चना दिख रहा है उसके थोड़ा सा ऊपर तक पानी आपको ऐड करना है, उससे नीचे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ही रखना है आपको। और यहाँ पे नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है क्योंकि हम बाद में भी नमक ऐड करेंगे। और 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है मैंने। यहाँ पर आप तेज़पत्ता डाल सकते हैं, या फिर मार्केट वाला लुक चाहिए तो चाय पत्ती की पोटली बना के आप इसमें डाल दें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। या फिर चाय पत्ती नहीं डालना चाहते तो आंवला का जो सुखड़ी होता है, सूखा हुआ भाग, वो डाल सकते हैं आप। तो इसे हम गैस पे बिठा देंगे और इसे हम 4 से 5 सीटी आने तक पकने देंगे, और हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा लेंगे, 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा के और इसे पकने देंगे। देख सकते हैं 1 सीटी आ चुकी है। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स मैंने ऑफ़ कर दिया था, 4 से 5 सीटी मैंने लगा ली थी, 6 भी लगा सकते हैं अगर आपको लगे कि कच्चा दिख रहा है, नहीं पका है तो और सीटी लगा ले, वो आपके गैस की फ्लेम पर डिपेंड करता है। और ये देखिए जो हमारी ये काबुली चना है, दिखा रही हूँ आपको तोड़ के, देख सकते हैं कितना अच्छे से ये गल गया है, सॉरी गला नहीं है, मतलब सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, एक कढ़ाई में मैंने तेल डाला है क्योंकि आपको कढ़ाई थोड़ी सी लग रहा होगा कि कुछ बना हुआ है। इसमें मैंने परवल और आलू को फ्राई किए थे, वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे काबुली चना बनाने के लिए मैंने जीरा, 2 हरी इलायची, 2 सूखे लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल दिए हैं। जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का ग्रेट किया हुआ, मतलब मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है फ्रेंड्स, या फिर आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने, सारे मसालों, जो सारी सब्जियां हैं उन सारे सब्जियों के मसाले मैंने एक ही साथ बनाए थे फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्याज है अच्छे से भुन चुका है, कलर बहुत ज़्यादा थोड़ा डार्क हो गया है, बट टेस्ट में अंतर नहीं आएगा फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा ये जो कढ़ाई है फ्रेंड्स वो लोहे की है, तो थोड़ा सा इसमें डार्क हो जाता है। और मसालों में मैंने थोड़े से धनिया, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल देंगे, अगर आपके पास है तो डालें। यहाँ पे आप जो अनार के दाने आते हैं उसका पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसको पीस लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे जो काबुली चना है उसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देख सकते हैं इसे हमें तब तक भुना है जब तक इसमें से तेल ना रिलीज हो जाए। तो टमाटर डालने के बाद तुरंत आपको नमक डालना है, ध्यान से नमक डालना है आपको, क्योंकि आपने पहले भी नमक डाली हुई है। तो अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक ऐड करें, देखिए मसालों से तेल रिलीज़ हो चुका है, देख सकते हैं आप मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जो हमने उबाल के रखे थे काबुली चने और आलू को, वो डाल देंगे। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आलू को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है, उसके बाद से ही डाला है। और ये देखिए इसे हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, और इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट पकाएंगे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा पानी मैंने यहाँ पर कम लग रहा था तो और ऐड किया है, देख सकते हैं। अब इसे आप बिना ढक के पकाएँ या फिर ढक के पकाएँ आपके ऊपर, मैं तो ढक के पका रही हूँ। इसे ढक के 3-4 मिनट पकाएंगे, और फ्रेंड्स बीच बीच में आप ज़रूर चेक करिएगा, छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो नीचे चिपक सकते हैं।
और 3-4 मिनट बाद ये देखिए काबुली जो चने हैं काफ़ी उबल रहे हैं, साइडों से तेल जो है वो तैर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने मसाले भुने थे फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छे से भुने थे, और मसालों को भुनने से ही जो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो आता है फ्रेंड्स। तो ये अभी थोड़ा ज़्यादा पानी पानी मुझे लग रहा था, तो फिर से मैंने इसे ढक के और थोड़ी देर पका लिया है। और ये देखिए अब जाके इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो चुकी है, और ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप आलू नहीं डाल रहे हैं तो इसमें क्या करें कि जो काबुली चने हैं उसको मैश करके हाथों से और उसके बाद से उसमें डाल दें, इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस स्पैचुला से ही मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने मैगी का मसाला एक पैकेट डाला है, यहाँ पे आप गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मैगी मसाला मैं हमेशा से डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मैगी मसाला का टेस्ट, तो मैं हर चीज़ में वही यूज़ करती हूँ, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो हमारे काबुली चना की सब्ज़ी है बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम फ्रेश हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे किसी दूसरे बर्तन में पलट लेंगे, क्योंकि लोहे के कढ़ाई में जो सब्ज़ियाँ रखनी नहीं चाहिए देर तक क्योंकि सब्ज़ियाँ काली पड़ जाती हैं। तो इसे मैंने एक भगोने में डाल लिया है और देख सकते हैं इसका कलर और टेक्स्चर फ्रेंड्स कितना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं। और ये अभी तो गर्म है, थोड़ी देर बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो उसमें गर्म पानी थोड़ा सा उबाल के और डाल दें, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स एनिवर्सरी स्पेशल जो हमारे छोले हैं बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जो ब्रेड पकौड़ा मैंने बना के तैयार किया था उसके लिए है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिए हैं और उसमें डाल दिया 1 कप बेसन, बेसन को छान लेंगे और उसके बाद से इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और उसी के साथ नमक डाल देंगे। नमक के साथ हमने अजवाइन लिया है देख सकते हैं, और इसे भी क्रश करके डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे बारीक कटे हुए हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला आपको घोल तैयार नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के और इसका हमें घोल तैयार करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पाई हूँ आगे का, बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ, डिलीट हो गया है मेरे से गलती से, मैं दिखा नहीं पाई हूँ आपको ब्रेड में कि मैंने कैसे ये सारी चीज़ें की है। तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी आप लोगों के लिए कि कैसे मैंने ये ब्रेड के जो ब्रेड पकौड़ा है वो बना के तैयार किया है, काफ़ी टेस्टी था फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना के और दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने ऐसे ही अपने ब्रेड को इसके अंदर आलू अप्लाई करके और बनाया था देख सकते हैं, और वहाँ पर मैंने आलू चाप बनाए थे, 4 आलू चाप और 4 ये ब्रेड के। तो और जो बेसन बच गया था फ्रेंड्स उसी का मैंने, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेसन जो हमने घोल तैयार किया था वो घोल थोड़ा बच गया था, तो मैंने इसका चीला बना लिया है देख सकते हैं, और उसी से मैंने बेसन की सब्ज़ी भी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने मतलब एक चीला बनके और रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, जितना मिक्सचर हमारा बचा था। तो इसी से मैंने सब्ज़ी भी बनाई है, इसी की बेसन की सब्ज़ी जो होती है वो बनाई है। तो यहाँ पे आप कलछी से चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, मैंने हाथों से ही कर दिया है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा मोटा ही इसको फैलाया है, बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है। और ये देखिए जब ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाए सूख जाए तो इसे हम मोड़ लेंगे, जैसे हम बेसन के जो फोल्ड करते हैं ना, रोल करते हैं, वैसे हम मोड़ लेंगे, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको नीचे से जब अच्छा कलर आ जाए फ्रेंड्स तभी आपको मोड़ना है, या फिर हमें इसे सब्ज़ी में ही डालना है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे डार्क नहीं किया है देख सकते हैं, लाइट ही रखा है मैंने। तो इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद से इसको हम कट कर लेंगे। और ये देखिए जो हमारा एक चीला है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं लेकिन मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने बस आपको सैंपल सारी चीज़ों का दिखा दिया है, मैंने एक स्पेशल सी थाली तैयार करी थी क्योंकि बहुत सारे सब्ज़ियाँ हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही हर सब्ज़ी को बना के और तैयार किया है क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेम्बर्स भी नहीं हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम कट कर लिए हैं और ये बेसन की सब्ज़ी हम बना लेते हैं। तो मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स आपको कि मैंने सारे इकट्ठे ही वीडियो को लगा दिया है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, उसमें जीरा डाल दिया है और 3 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सूखे लाल मिर्च, बस हमने इतने ही जो सूखे मसाले हैं वो डाले हैं, सॉरी खड़े मसाले। और उसके बाद से वही ये प्याज और हरी मिर्च है जो मैंने एक ही साथ पीस के तैयार किया था। तो आप अगर अलग बना रहे हैं तो
एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लें और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च ले लें और उसे डाल के पीस के और डाल सकते हैं। देखिए जो हमारे प्याज हैं अच्छे से भुन चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे मलाई डाली है, दूध की मलाई है 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल के और अच्छे से मिक्स कर दिया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप। और जब ये अच्छे से भुन जाए देखिए, तो इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, देख सकते हैं और मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, देख सकते हैं तेल भी रिलीज़ कर चुके हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उसको पीस के और इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। अब टमाटर का तुरंत डालने के बाद मैं नमक ऐड करती हूँ, तो नमक भी डाल देंगे और नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मसाले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, देख सकते हैं तेल भी रिलीज़ हो गया है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। तो इसमें हम जो ग्रेवी है इसमें हम उबाल आने देंगे, उसके बाद से जो हमने बेसन का कट करके रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उबाल इसमें आ चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे बेसन वाला जो हमने कट करके रखा था वो डाल देंगे, देख सकते हैं 1 पीसेज मैंने खा लिया है, काफ़ी टेस्टी था फ्रेंड्स। और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट ही आपको पकाना है, उसके बाद से गैस की फ्लेम को ऑफ कर देनी है फ्रेंड्स। तो ये मैंने ढक के 2 मिनट पका लिया है और 2 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है इसकी ग्रेवी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद कोई भी सब्ज़ी हो थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा पैकेट जो है मैगी का मसाला डाल दिया है। मैगी मसाला नहीं डालना चाहते हो तो नॉर्मल यहाँ पर आप गर्म मसाले का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा डालिएगा क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखी है। तो यहाँ पे बारीक कटे हुए डाल देंगे धनिया पत्ती, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी हम एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एनिवर्सरी के दिन बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं, तो मैंने एक ही कढ़ाई को बार बार इस्तेमाल किया है। और ये देखिए जो हमारे बेसन की सब्ज़ी है इसे भी मैंने एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, एकदम परफेक्ट कलर आया है, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पपीते का हलवा बनाने के लिए मैंने पपीता लिया है। यहाँ पे आपको पके पपीते का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, कच्चा जो पपीता फलता है बस आपको उसी का यूज़ करना है। तो जो पीछे का डंठल है उसको हमें कट करके निकाल देना है। और फ्रेंड्स ये पपीता काफ़ी हार्ड था, देख सकते हैं कट करने से ही पता लग रहा होगा, थोड़ा सा इसको पिछला भाग रगड़ देंगे ताकि इसमें जो दूध जैसा निकलता है वो निकल जाएगा। और देख सकते हैं इसको हम इसका छिलका उतार लेंगे, काफ़ी हार्ड था फ्रेंड्स, जो पपीता होता है इतना हार्ड नहीं होता है, पता नहीं क्यों ये इतना हार्ड था। इसका छिलका हम उतार लेंगे, बहुत परेशानी हुई इसका छिलका उतारने में, तो आप चाहें तो पिलर से भी इसका छिलका उतार सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये पक गया है पपीता, बट आपको जब कच्चा पपीता होता है वो मिले वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा भी मिल जा रहा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका भी हलवा ख़राब नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो आप ऐसा मिल जाए तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसे हम कट कर लिए हैं और इसे हम पतले पतले पीसेज में कट कर लेंगे ताकि हम ईजिली इसको कद्दू कर सकें। देखिए कट नहीं रहा है जल्दी, फिर भी मुझे तो आपको कट करके दिखाना है कि कैसे कट करेंगे। ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा कट हो गया, ऐसे ही हम सारे पीसेस को अपने कट कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये हलवा आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। ये मैंने अपने मम्मी से सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मी जब हम लोग छोटे थे तो वह पपीता का हलवा बनाती थी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। मैंने बस अपनी माँ से सीखा है ये पपीता का हलवा बनाना, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करें और ये अपने एनिवर्सरी पर भी बनाएं मीठे में। तो देखिए बीच का जो ऊपर अंदर जो इसके रेसे टाइप में लगे रहते हैं उसको नाइफ़ से निकाल लेना है आपको, और बिल्कुल अच्छे से मैंने निकाल लिया है। और जो पपीता है उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है, यहाँ पे बहुत पतले ग्रेटर का आपको यूज़ नहीं करना है, इसका तो यूज़ बिल्कुल नहीं करना है आपको, और मोटे वाले का ही कोशिश करें कि करें, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा भाप में स्टीम जो बोलते हैं भाप में पकाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा वाला पहले तो इसमें मैंने करक के देखा, तो काफ़ी ये पतला निकल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी पतला निकल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मोटे वाले से ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं काफ़ी पतला निकल रहा है। तो मैंने क्या किया कि मोटे वाले से मैंने ग्रेट कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने मोटे वाले से ग्रेट करके पूरा मैंने ग्रेट कर लिया, तैयार कर लिया है एक पपीता। तो
इसे हम उबाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देंगे अपने सारे पपीते जो कि कद्दूकस करके रखे हैं, और इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा ही हमें पानी चाहिए ऊपर तक। मैंने इसे ढक दिया है लेकिन मुझे कम लग रहा था तो मैंने और भी पानी डाला है क्योंकि इसके ऊपर तक आपको पानी चाहिए ही चाहिए। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें उबाल आ गया। बस आपको एक उबाल लाना है फ्रेंड्स, ढक दें और जब इसमें उबाल आ जाए तो 1 मिनट बाद ही इसे एक स्ट्रेनर में छान लें। पानी को बिल्कुल आपको अच्छे से निकाल देना है फ्रेंड्स। और फिर मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया है 1/2 कप घी, 1/2 कप से थोड़ा कम ही है। अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हैं तो पूरा भर के 1/2 कप लें, अगर मेल्ट नहीं है तो आप 1/2 कप से थोड़ा कम ही लें क्योंकि पिघलने के बाद वो ज़्यादा ही हो जाता है। जब अच्छे से घी मेल्ट हो जाए तो उसमें अपने उबले हुए जो पपीता है उसको डाल देंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें पपीता को उबालने से पता नहीं कुछ क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो निकल जाता है। तो उबालने से ना उसका टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब जो उसमें दूध टाइप में कुछ रहता है वो निकल जाता है सारा। तो इससे हमें कुछ देर भून लेना है। और देखिए भूनते भूनते इसमें घी भी रिलीज हो चुका है फ्रेंड्स, जो हमने घी डाले थे। तो इसे हमने अच्छे से भून लिया है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने कट कर लिया है थोड़े से मोटे मोटे। तो काजू लिया है, बादाम लिया है, किशमिश लिए हैं। आप यहाँ पे अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और कम ज़्यादा अपने अनुसार भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि मैंने ले लिए हैं। मैंने डाल के इसे भी अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स, जो बादाम और काजू है। और यहाँ पे मैंने देसी चीनी 1 कप लिया है, 1 कप से थोड़ा कम ही है। यहाँ पे आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया होगा आपको कि मैंने पहले से ही ये चीनी मंगा के रख दी थी, तो मैं इसे ही इस्तेमाल करती हूँ बार बार। यहाँ पे आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चीनी के डालते ही आप देखेंगे कि ये थोड़े से अपने चीनी जो है पानी जैसा थोड़ा रिलीज़ करते हैं। तो ये देखिए थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी जैसा दिख रहा है। तो पूरे पानी को आपको जला लेना है और इसे तब तक पकाना है जब तक ये जो आपके पपीते हैं फ्रेंड्स वो घी ना रिलीज़ कर दें। देख सकते हैं पपीते घी रिलीज़ कर चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैंने कोई फूड कलर इसमें यूज़ नहीं किया है, एकदम नेचुरल जो हमने पपीते का हलवा बना के और रेडी किया है। और यहाँ पे मैंने इलायची को कूट के और डाल दिया है। यहाँ पे आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और घी बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है इसका, और जो हमारा ये पपीते का टेस्टी हलवा है वो बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे एक बर्तन में डाल देंगे, और ये हमारा पपीते का हलवा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी ऐड किया है, देख सकते हैं। उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और उसी के साथ हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, और साथ में डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है फ्रेंड्स, और डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप दालचीनी के टुकड़े भी डाल सकते हैं, लौंग के टुकड़े भी डाल सकते हैं, मैंने कुछ नहीं डाला है, नॉर्मल रखा है। और यहाँ पे मैंने 1 कप चावल को धो के और 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया था भिगा के, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों, क्योंकि जो चावल भीग जाते हैं तो उसका टूटने का चांस होता है। तो इसको हल्के हाथों से और चलाएं ताकि जो चावल है वो अच्छे से भुन भी जाए और टूटे भी ना। और इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर थोड़ा सा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने सिर्फ नमक ही ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने इसी ग्लास से मैंने लिया था चावल, तो उसी के हिसाब से मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम ही पानी डाला है, क्योंकि चावल भीग जाते हैं तो अच्छे से फूल जाते हैं, तो पकने में उनको काफ़ी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप 1 गिलास पानी का यूज़ करें फ्रेंड्स। मैंने 1 कप चावल के लिए मतलब उसी गिलास ले लिया था, तो 1 गिलास के लिए मैंने 1 गिलास ही पानी डाला है। और 1 सीटी आने देते हैं, उसके बाद से गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स ऑफ़ कर देंगे, और बिल्कुल अच्छे से जब ये प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा उसके बाद से हम इसे खोल के और चेक करेंगे। और ये देख सकते हैं हमारे एकदम खिले खिले जो चावल हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो इसे हम ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे, क्योंकि अभी निकालेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो मैसी जैसे हो जाएंगे। और ये हमारा जीरा राइस बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलते हैं अब आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाने। तो फ्रेंड्स क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे आलू कैसे फ्राई किया है मैंने, ये कैसे डाले ये भी मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ।
तो मैंने गोभी को नॉर्मल थोड़े से बड़े पीसेज में कट कर लिया है, उसको बिल्कुल डीप फ्राई करके और निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको ऐसे बड़े बड़े रफली कट में कट किया है, और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने पूरा ही पका लिया है, इसी में छान के देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये पक ही चुका है आलू। मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुका है आलू और गोभी की। ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनी थी, मेरे हस्बैंड को आलू और गोभी की ही बहुत ज़्यादा सब्ज़ी पसंद आई थी फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और उसमें जीरा डाल दिया है, साथ में 1 चम्मच मैंने सौंफ डाल दिया है, 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। सौंफ बिल्कुल स्किप मत करें, इसी से इसका टेस्ट बढ़ेगा फ्रेंड्स। 1 बड़ी इलायची डाल दी है और इन सारे जो खड़े मसाले हैं उनको भून लेंगे। और यहाँ पे मैं लग रहा है दालचीनी भूल गई हूँ, आप डाल सकते हैं दालचीनी। और यहाँ पे जो प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे। मैंने इसे ग्रेट किया है, पहले भी बताया है मैंने, जब अच्छे से ये पक जाए थोड़े सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट से जैसे दिखने लगे, तो इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़े से धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पे थोड़े से आमचूर का पाउडर डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। और जब मसाले अच्छे से भून जाएं, क्योंकि ड्राई मसाले जो होते हैं उनको भूनने में टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कसूरी मेथी, और इसे भी हम थोड़ी देर पका लेंगे। और उसके बाद से हमारा पता ही आपको टमाटर डालना है, तो यहाँ पे हम 2 टमाटर लिए हैं, जिसको कि मैंने पीस लिया है, और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद से इसमें नमक ऐड करेंगे, टमाटर के तुरंत बाद नमक ऐड करना है, क्योंकि जल्दी से जो चीज़ें हैं वो भुन जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं, तेल भी रिलीज़ कर चुके हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब नमक डाला है फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद वही क्या करना है, हमें पानी डालना है। उससे पहले हम यहाँ पे डालेंगे आलू और गोभी, क्योंकि हमें उसे भी तो भूनना ज़रूरी है ना मसालों के साथ, तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो आलू और गोभी में आ जाए फ्रेंड्स। और इसे हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं आलू गोभी की, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना है, 2 मिनट इसको आपको अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद से मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया है देख सकते हैं। और मिक्स करके इसको हम ढक के पका सकते हैं, या फिर बिना ढके भी आप पका सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है, और इसे 2 मिनट हम पकने देते हैं, 2 से 3 मिनट, बीच में चेक ज़रूर करिएगा। और 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए जो हमारी आलू और गोभी की सूखी सब्जी है बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स यहीं पे ऑफ करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद मसाले जो हैं थोड़े से थिक हो जाते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 पैकेट वही मैगी का मसाला, जो कि हमने बेसन में डाला था, आधा बच गया था, तो आधा हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप गरम मसाले का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़े से धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद से हम इसे भी एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने एक ही कढ़ाई बार बार यूज़ करी है देख सकते हैं आप, और कढ़ाई भी आपको अच्छी नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, उस दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो मैंने एक ही से सारे काम सफल कर लिए हैं। और ये हमारी जो आलू गोभी की सूखी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सारे रेसिपी मैंने बना के आपको दिखा दी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।